हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्रिक फॉर कन्वर्जन ऑफ हायर एल्डिहाइड अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड टू लोअर एल्डिहाइड अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके अलावा हम कैसे हायर एल्डिहाइड से लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, हायर अल्कोहल से कैसे लोअर एल्डिहाइड बना सकते हैं और भी इसी टाइप के कई रिएक्शंस। तो वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही और वीडियो देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक एल्डिहाइड ले लेते हैं। हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी हम किसी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक K2Cr2O7 या फिर KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो हमेशा हमें एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, RCH2COOH। दूसरी बात, जब भी हम एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से हमेशा क्या मिलता है, अल्कोहल, RCH2CH2OH। एंड अगर हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया था। अब इसको अगर हम अमोनिया के साथ रिएक्ट करवा दें तो क्या होगा, एक वाटर मोलिक्यूल निकल जाएगा OH यहाँ से एंड एक हाइड्रोजन अमोनिया से, तो क्या होगा, प्राइमरी एमाइड बन जाएगा, RCH2CONH2। अब अगर हम इस प्राइमरी एमाइड को अगर हम रिएक्ट करवा दें ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ KOH, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन इसे कहते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा प्राइमरी एमीन, RCH2NH2। अगर हम इस एमीन को रिएक्ट करवाएंगे HNO2 के साथ तो क्या होगा, एक N2 मोलिक्यूल निकल जाएगा और एक H2O मोलिक्यूल। कैसे होगा, एक नाइट्रोजन NH2 ग्रुप का और एक नाइट्रोजन HNO2 का, दोनों मिलकर हो जाएगा N2, और इसी तरह से यहाँ से H2 और यहाँ से ऑक्सीजन, दोनों मिलकर हो जाएगा H2O। एंड क्या बन जाएगा हमारे पास, अल्कोहल, दैट इज RCH2OH। अब अगर हम इस प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4, तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है हमेशा, एल्डिहाइड, तो क्या मिलेगा, RCHO। और अगर इस एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करवा देंगे तो हमें मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH। तो ये है हमारे पास पूरी की पूरी टेबल जिसके थ्रू हम हायर एल्डिहाइड अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से लोअर एल्डिहाइड अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमें एसिटाल्डिहाइड से फॉर्मल्डिहाइड बनाना है, यानी कि हायर एल्डिहाइड से लोअर एल्डिहाइड बनाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सेम टू सेम यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे CH3CHO, दैट इज एसिटाल्डिहाइड, इसका हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन, एंड क्या बन जाएगा, CH3COOH। इसको हम अमोनिया के साथ रिएक्ट करा देंगे, वाटर मोलिक्यूल निकल जाएगा एंड क्या बन जाएगा, एमाइड, CH3CONH2। अब इसमें हम हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन करवाएंगे Br2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH के साथ, एंड क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3NH2। इस CH3NH2 को अगर हम HNO2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, अल्कोहल, एंड इसका हम ऑक्सीडेशन करवा देंगे तो हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। तो इस तरह से हमने हायर एल्डिहाइड से लोअर एल्डिहाइड बना दिया। ठीक इसी तरह से हमें दिया गया हो कन्वर्ट प्रोपेनॉल टू इथेनोइक एसिड, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हायर एल्डिहाइड से स्टार्ट करेंगे और लास्ट स्टेप यानी कि लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाएंगे। तो इस टेबल को याद रखने के लिए आप 2-3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही आसानी से ये टेबल याद हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।